नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल प्रध्या की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्जी। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। और मैं इसको पहले सब्जियों को पहले मैं काट लूंगी, जिसमें मैंने ये 3 शिमला मिर्च लिए है, ये छोटे बड़े 7 आलू लिए है, 1 टमाटर लिया है, 1 प्याज और 3 हरी मिर्च मैंने इसमें ले लिया है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको काटती हूँ मैं पहले। ये देखिए हमने सब्जियां काट के तैयार कर ली हैं, ये प्याज और मिर्च, हरी वाली शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं ये तेल। ये देख लीजिएगा तेल मैं डाल रही हूँ, इसमें 3 छोटा चम्मच लगभग तेल है। और इसको हम हीट होने देंगे। तेल हमारा हीट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च कटी हुई, 2 तेज पत्ते, मीडियम साइज, ये मैंने ले लिया है राई, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा। इसको थोड़ा हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई प्याज, और ये मैंने 3-4 कली के पत्ते डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको भी ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमें जलाना नहीं है, बस इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। इसी स्टेज पे मैं ये हींग 1 पिंच डाल दूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी ये सब्जियां। तो ये हमने आलू डाल दिया और ये हमारी शिमला मिर्च गई। आलू शिमला मिर्च की सब्जी खाना सबको पसंद होता है, तो आज मैं ये शिमला मिर्च आप लोगों के लिए लाई हूँ आलू शिमला मिर्च की रेसिपी। तो आप लोग इसे अपने किचन में जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आलू शिमला मिर्च आपकी कैसी बनी है। तो मैं इसको बना रही हूँ और मैं जैसे बता रही हूँ आप इसको एक एक मिनट फॉलो करते जाइएगा। और इसी से फिर मैं इसमें ये इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और ये थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी कलर के लिए, और ये थोड़ा सा हमने डाल दिया गरम मसाला। धनिया पाउडर मैंने आलू के अंदर डाली है, ज़्यादा भी डाला है। और अब हम इसको सारा अच्छे से सब मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। हमने सब्जियों को मिला लिया, अब हम इसी में टमाटर इसको ऐड कर देंगे। और इसको हम मिलाने के बाद इसी स्टेज पे इसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, हमारी सब्जियाँ इसी में पक जाएंगे। तो हम इसी स्टेज पे एकदम स्लो फ्लेम करके इसको ढक देंगे और हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए सब्जियों को हम थोड़ा चेक करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी इसको हमें और पकाना है, चेक कर लेते हैं हम। इस तरह से एक आलू को लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। अभी हमारा ये पका नहीं है, ये देखिए एक चम्मच स्पून के हेल्प से हम देखते हैं। अभी देखिए हमारा चम्मच टाइट है, हम थोड़ा इसको और पकाएंगे। इसी तरह से ढक देंगे और हम बिना पानी डाले इसको 2 मिनट और पकाने के बाद देखते हैं, चेक कर लेते हैं अपनी सब्जियों को। ये देखिए ये लग रहा है, देखने में ही लग रहा है हमारी सब्जियां बन चुकी हैं। तो ये देखिए ये इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम पक गई है। तो अब हम इसको जो है बंद कर देंगे और इसको मैं एक बर्तन में निकालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी सब्जियां बहुत अच्छी बनी हैं, आप लोग इसे जरूर अपने किचन में ट्राई करिएगा।
ये देखिए हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी देखने में कितनी सुंदर लग रही है, तो खाने में क्या बात होगी, खाने में भी लाजवाब है ये। तो आप इसे अपने किचन में जरूर बनाइए, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो प्रध्या की रसोई को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो वॉच करें। तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करते रहिए बराबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।